सुनो ये सजनो हाल सुनावे सजनो हाल सुना में धर्म की दुर्वाणी का सुनो ये सजनो हाल सुना में धर्म की दुर्वाणी का बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की है। निहाल चंद के माता पिता ने कहा बेटा चाहे जान भी चली जावे मगर दुश्मन को पीठ मत दिखाना, भगवान का नाम स्मरण करते रहना। जन्म मरण भगवान की शरण से सफल होता है, भगवान की शरण में संसार में यश मिलता है और अंत में सदगति हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान की सत्य शरण ही रह करके संसार में यश पाया और अंत में भगवान की प्राप्ति की थी। ओम विष्णु की जय बोली और निहाल चंद एकदम भागा। विष्णु यो सब मिल कर आवो निहाल चंद कहने लगा। अरे विष्णु यो सब मिल कर आवो निहाल चंद कहने लगा। भगवत नाम सुमर लो रे भाइयो मिल जावे फल मुँह मांगा। दुष्ट शिकारी जीव मारते ये विष्णु यो की जागा। भगवत नाम सुमर लो भाइयो भगवत नाम सुमर लो भाइयो मिल जावे फल मुँह मांगा। दुष्ट शिकारी जीव मारते ये विष्णु यो की जागा। अरे दुष्टों को नहीं करने देंगे दुष्टों को नहीं करने देंगे काम कोई शैतानी का। सुनो ये सजनो हाल सुना में धर्म की दुर्वाणी का। सुनो ये सजनो हाल सुना में धर्म की दुर्वाणी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया ओ वीर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में दोष जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुना में धर्म की दुर्वाणी का। सुनो ये सजनो हाल सुना में धर्म की सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान की जय बोलते हुए निहाल चंद एकदम भागा और गुरु भाइयों को कहने लगा कि हे विष्णु भाइयों भगवान का नाम लेकर के जल्दी आओ। दुष्ट शिकारी विष्णुओं की काकड़ में आकर के शिकार करके भगवान के प्यारे जीवों को मार रहे हैं। शैतान दुष्टों को कोई भी शैतानी का काम नहीं करने देंगे। निहाल चंद को देख शिकारी अब देखो आगे उनकी क्या दशा होती है। अरे निहाल चंद को देख शिकारी निहाल चंद को देख शिकारी रे भागन की कर ली तैयारी। हिरण लाद लिए ऊंटों पर और ऊंटों की कर ली सवारी। अरे हिरण लाद लिए ऊंटों पर और ऊंटों की कर ली सवारी। अरे रुक जाओ ओ
कड़ पार नहीं करने दी न्याल चंद्र जागर जारी। अरे रुक जाओ हत्यारों खैरो न्याल चंद गिरी खिलकारी। कड़ पार नहीं करने दी न्याल चंद्र जागर जारी। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की त कुर्बानी। वीर न्याल चंद ने दिखलाया रे जग में दोस्त जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की त कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ भगवान के नाम की जयकार, बस यही सत्य है। निहाल चंद को देखते ही बावरी शिकारी शिकार की द्वारा मारे हुए हिरणों को ऊंटों पर लाद करके भागने की कोशिश की, मगर वीर विष्णुई निहाल चंद धारणिया एकदम जा पहुंचा और गरजते हुए कहने लगा, दुष्ट शिकारियों ठहर जाओ, तुमने जीवों को मार करके पाप किया है। तुम जो भागने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। ऊंटों के नाक की नकेल, जिसको मारवाड़ी भाषा में मोरी बोलते हैं, निहाल चंद ने ऊंटों के नाक की मोरी पकड़ ली। अरे विष्णुयों की काकड़ में है, निहाल चंद कहता है, अरे विष्णुयों की काकड़ में विष्णुई सब भागे आवे जी। निहाल चंद की बात को सुन करके कवि कहता है उस मौके पर, अरे विष्णुयों की काकड़ में विष्णुई सब भागे आवे। पकड़ो पकड़ो भावरियों को आगे नहीं भागे पावे। अरे पकड़ो पकड़ो भावरियों को आगे नहीं भागे पावे। दुष्ट शिकारी फायरिंग करके विष्णुओं को डर पावे। एक रती डर फायरिंग का नहीं विष्णुई ना घबरावे। अरे दुष्ट शिकारी शिकारी फायरिंग करके विष्णुओं को डर पावे। एक रती डर फायरिंग का नहीं विष्णुई ना घबरावे। अरे बावरिये घबराए उपाय हो, बावरिये घबराए उपाय हो, सोचे रे जान बचानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में दोष जवानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की हित कुर्बानी का। विष्णु भगवान की जय। हाँ भाई देखो तान लगती है तो भगवत नाम की जयकार बोली जाती है, तो भगवत नाम की महिमा होती है। तो देखो भाइयों, वीर विष्णुई निहाल चंद की ये कथा इतिहास के रूप में है, जो नरसिंह रेडियो म्यूजिक सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा मारवाड़ी
म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा जो ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुत कर रहे हैं गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम। और आगे जो आप ये प्रश्न सुन रहे हैं कि विष्णुओं की कांकर में से बहुत सी संख्या में विष्णु लोगों को भागते हुए आते देख करके बावरिये दुष्ट शिकारी घबराए और बंदूकों से गोलियां चलानी शुरू करके विष्णु लोगों को डराने की कोशिश करने लगे। निहाल चंद का हौसला देख करके दुष्ट शिकारी बहुत घबराए। नाल बंदूक दिखावे रे शिकारी, नाल बंदूक दिखावे शिकारी, नाल चंद तुम हट जाओ, गोली मार गिरावे तुम कोरे भागो, अपनी जान बचाओ, गोली मार गिरावे तुमको भागो, अपनी जान बचाओ, नाल बंदूक दिखावे शिकारी, नाल चंद तुम हट जाओ, गोली मार गिरावे तुमको भागो, अपनी जान बचाओ, नाल चंद कहे हिरण मारिए इनको रे वापिस पहुंचाओ, विष्णुओं की कांकड़ में फिर करने शिकार मती आओ, नाल चंद कहीं हिरण मारिए इनको रे वापिस पहुंचाओ, विष्णुओं की कांकड़ में फिर करने शिकार मती आओ, धर्म के विरुद्ध काम करने का, धर्म के विरुद्ध काम करने का हक न तुम्हें मनमानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का, वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोश जवानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का, सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी, भगवान की जय। दुष्ट शिकारी बंदूक की नाल सामने दिखाते हुए निहाल चंद को डराने लगे और कहने लगे, बिश्नोई अपनी जान बचानी चाहता है तो भाग जा, नहीं तो गोली से तुम्हारे को जान से मार देंगे। वीर बिश्नोई निहाल चंद हरनिया कहने लगा, अरे पापियों, तुमने भगवान के प्यारे वन में विचरण करने वाले हिरण को बैरैनी से मारा है, इनकी लाशों को लेकर के तुम भाग रहे हो, मैं तुम्हारे को इनकी लाशों को लेकर के भागने नहीं दूंगा, इनकी लाशों को वापिस पहुंचाओ और आगे कभी भी भूल करके भी किसी भी जीव का शिकार करने के लिए मत आना, भगवान के प्यारे जीवों को मार करके हैं? अरे भगवान के प्यारे जीवों को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुमने धर्म नीति के विरुद्ध काम किया है और भगवान से विमुख होकर के तुमने घोर पाप और अधर्म किया है, हैं? इसीलिए निहाल चंद कहता है, अरे निहाल चंद का ओह भाइयों, निहाल चंद कहता है मैं तुम्हारे को एक रति भी आगे पैर नहीं रखने दूंगा, तुम मेरी बात को मान लो तो ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। निहाल चंद का देख हौसला, निहाल चंद का देख हौसला, दुष्ट शिकारी घबराए, चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चकराए, चारों ओर से विष्णुओं को देख बावरी चकराए, सीना तान पग ठहराए, पूरे सुन
सूरवे बिश्नोई ने सबके छक्के छुड़वाए। पूरे सूरवे बिश्नोई ने रे सबके छक्के छुड़वाए। ओ प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। निहाल चंद का हौसला बुलंद देख करके दुष्ट शिकारी बावरी घबराए। चारों ओर से काखड़ में लोगों को आते हुए देख करके शिकारियों के छक्के छूट गए। इधर निहाल चंद भगवत नाम स्मरण करता हुआ सीना ताने भगवत शरण में अपना पैर जमाए हुए दुष्ट शिकारियों को रति भी आगे हिलने नहीं दिया था। न्यारा चंद कई पकड़ सभी को बंद जेल में करवावे। नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ कर ले जाऊं। नहीं भागने देंगे तुमको थाने पकड़ कर ले जावे। बावरियों ने सोचा मन में इनसे नहीं छूट पावे। ये बिश्नोई पूरा सूरवा किस विध अपनी जान बचावे। ये बिश्नोई पूरा सूरवा रे किस विध अपनी जान बचावे। दुष्ट शिकारी असुर बावरी काम करे नित हानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। वीर निहाल चंद ने दिखलाया जग में जोशी जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म के हित कुर्बानी का। भगवान की जय। निहाल चंद बोला दुष्ट शिकारियों तुम्हारे को भागने नहीं देंगे। पकड़ करके थाने ले जाएंगे जेल में बंद करवाएंगे। तुमने जो कुकर्म किया है उसकी सजा दिलवाएंगे। ऐसे सूर में बिश्नोई निहाल चंद हरणिया के बोल सुन करके बावरियों ने मन में सोचा इस सूर में बिश्नोई से बचना मुश्किल है। असुर शिकारी अपनी जान बचाने का चारा सोचते सोचते और आगे सुनो। निहाल चंद के सीने बीच में दुष्टों ने गोली मारी। निहाल चंद भगवत को सुमरे सत का जोश चढ़ा भाई। अरे निहाल चंद भगवत को सुमरे सत का जोश चढ़ा भाई।
भगवत प्यारा भगवत सुमरे इस गीत जंगल भाई जागरी। अरे भगवत प्यारा भगवत सुमरे इस गीत जंगल भाई जागरी। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। फिर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में दोसी जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। दुष्ट शिकारियों ने निहाल चंद के सीने में गोली मार दी। गोली लगने पर ही वीर सूरमा विष्णु निहाल चंद धारणिया भगवत नाम का स्मरण करता हुआ दुष्ट शिकारियों को भागने से रोके हुए दुष्ट शिकारियों से लड़ता रहा। और देखो आगे जिस दुश्मन दुष्ट शिकारी ने निहाल चंद के पहली गोली मारी थी उसका कैसा हाल होता है यह भगवान का चमत्कार है। जो पाप करता है पाप का फल भोगता है, धर्म करता है वो धर्म का फल भोगता है। धर्म का फल सुख है, पाप का फल दुख है। अरे गिया ऊंट से दुष्ट शिकारी तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जब मारी। अरे शीश तले पग हुए ऊपर को लात ऊंट ने जब मारी। हाथ बंदूक लगी पसली मेरे पसली टूट गई सारी। आए यम के दूत फटाफट जगड़ फाट गल में डाली। हाथ बंदूक लगी पसली मेरे पसली टूट गई सारी। आए यम के दूत फटाफट जगड़ फाट गल में डाली। अरे मार मार के खून निकाला दुष्ट शिकारी का उस भावरिये का यम दूतों ने। मार मार के खून निकाला कैसे। अरे मार मार कर खून निकाला निकले से ते आई। अरे मार मार कर खून निकाला निकले तेल जू गाणी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। अरे वीर निहाल चंद ने दिखलाया रे जग में दोसी जवानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। ओ प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ ऊंट चमके और एक दुष्ट शिकारी ऊंट से नीचे गिरा। हाथ में जो बंदूक थी वो बंदूक दुष्ट शिकारी के पसली के नीचे आ गई जिससे दुष्ट शिकारी की पसलियां टूट कर चूर हो गई। और इधर से ऊंट ने लात मारी जो दुष्ट शिकारी के शीश में लगी और दुष्ट शिकारी मरने की हालत में हो गया। जकड़ ले गए यम के दूत भाई।
सजा दीजिए हत्यारी को, अग्नि से कर गरम सलाखी सजा दीजिए हत्यारी को। सब प्रकार के नर को बीच में डाल दिया हत्यारे को, सब प्रकार के नर को बीच में डाल दिया हत्यारे को। यम के दूत ने किया काम भाई, यम दूतों ने किया काम सब ओर से खींचा तानी का। सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। दिन हलकंद ने दिखलाया जग में दोषी जवानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी। निहाल चंद भगवत कही, निहाल चंद भगवत का जारा भगवत नाम सुमरता जी, बाकी दुष्ट शिकारी भागे विष्णु यूं ही डरता जी। ये शिकार हिरण वही डारे ऊंट सवारी करता जी, पहुंच गए बिशनोई मिलकर देखाल सब गीता। सब लोगों ने देखा रे हौसला बड़ा है भगवत ध्यानी का, सुनो ये सजनों हाल सुनावे धर्म की कुर्बानी का। सदगति पाई ये घटना विक्रमी समत 2053 में आशोज वदी सातम भगवान की रचना गुरुवार की है। जो भगवान का प्यारा भक्त स्वर्ग में गया दुष्ट नरकों में पड़े। सुनो ये सजनो हाल सुनावे धर्म की सुरभारी का। यहां पर दुष्ट शिकारी जिनके द्वारा शिकार किए हुए हरिणों को लाशों के बराबर भूमिदाग निहाल चंद को किया गया, उनकी यादगार में वहां पर एक सबूत भी बनाया गया है। एक वर्ष के अंतर्गत वहां सत्संग जमे जागरण करने का विधान बनाया गया है। बिश्नोई पंथ के विधान अनुसार कोई जाए जीव की वहां सेवा पूजा का विधान नहीं है। जैसा धर्मगुरु जामो जी ने बताया कि भगवान के नाम की सेवा पूजा भगवान के नाम का स्मरण ही करना, उसी के अनुसार ही वहां विधान बनाया गया है। चूगे पानी आदि का भी प्रबंध किया गया है और विष्णुओं की काखर में किसी प्रकार से कोई हरा वृक्ष न काटे शिकार न करे, इस बात की भी वहां मजबूती बनाई गई है सब प्रकार से। यहाँ लगन ने दिख